हाय दोस्तों, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम 23 जैन का फर्स्ट शिफ्ट जीएस और एक शायद एक या दो इंग्लिश क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल है, उस पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप अपने टाइम इंटरवल के हिसाब से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि क्या और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह की आपको और वीडियो की ज़रूरत है। इन फ्यूचर हम MTS के लिए वीडियो लाने वाले हैं और मैथ पे। मैथ के लिए वीडियो में हम कन्फ्यूज हैं कि वो इंग्लिश में मैथ का क्वेश्चन लाएँ या हिंदी में, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि जो मैथ का क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी में रहना चाहिए या इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोती मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना था। यहाँ पे होगा द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका, ये दिल्ली में है, ठीक है। और इस मोती मस्जिद को जो है पर्ल इंग्लिश में पर्ल मोजेक कहते हैं, ठीक है। और इस मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, औरंगजेब ने, '1659 और 1660 के बीच में, ठीक है। औरंगजेब को हम क्या कहते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक और मोती मस्जिद है जो कहां पे है, आगरा में, ठीक है। और आगरा में जो है उसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने, और वो जो है आगरा फोर्ट, आगरा के किले के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टाइम, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, ठीक है। ये ऑप्शन बेस्ड आंसर था, क्योंकि टाइम को हम बहुत तरीकों से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने का पूछा था, एंसेंट में पूछा था, या कहाँ मिडवेल में, या इस टाइम का, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अकबर जनरल, ठीक है। अकबर जनरल मानसिंह, ठीक है। मानसिंह कौन थे, ये कछवाहा शासक भारमल का पौत्र थे। किसके पौत्र थे, भारमल के, ठीक है। भारमल कहाँ के शासक थे, कछवाहा, ठीक है। और इनकी गिनती जो है नवरत्न में होती थी, ठीक है। ये नवरत्न में से एक रन थे मानसिंह, जो अकबर के क्या थे, जनरल, ठीक है। बहुत ही विश्वास पात्र जनरल थे, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओजोन, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, ठीक। इट इज ए पेले ब्लू गैस विथ अ डिस्टिंक्टिवली प्यूंगेट स्मेल, ठीक है। ये एक ब्लू कलर की गैस होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट 112 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट -192, बॉइलिंग पॉइंट -112 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट -192.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। राज्यसभा सीट फ्रॉम UP, देखिए इसको हम पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे, कितना, 31। अमोनियम डाइक्रोमेट फार्मूला, NH4 2CR2O7, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट का ये फार्मूला है। कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे का कैपिटल जो है ओस्लो है, और यहाँ के प्रेसिडेंट एर्ना सोलबर्ग हैं, ठीक है। और यहाँ की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन, कौन सी करेंसी है, नॉर्वेजियन क्रोने। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, एर्ना सोलबर्ग, और यहाँ का कैपिटल क्या है, ओस्लो, ठीक है। विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जुपिटर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, एंड सेकेंड नंबर पर कौन सा है, सैटर्न आपका, सनी है, ठीक है, सेकेंड पे सैटर्न। इंद्रजीत सिंह इज रिलेटेड टू, इंद्रजीत सिंह किससे रिलेटेड हैं, तो ये शॉर्ट पुट गोला फेंक आप नाम ने सुना होगा कुछ, ठीक है।
और इनका डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल 1988। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन एथलीट चैम्पियनशिप में, कब, 2015 में जब हुई थी। इन्होंने 2015 के एशियन एथलीट चैम्पियनशिप में क्या जीता था, गोल्ड मेडल। ठीक है, अब मैं फिगर दिखा देता हूँ। देखिए ये गेम है शॉट पुट, ठीक है, इसको गोला फेंक भी कहते हैं हिंदी में। ट्रिपल 2 आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ट्रिपल 2 आर्टिकल, लेकिन अब यहाँ पूछ दिया तो आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आप आर्टिकल देख के जाइए। ठीक है, ट्रिपल 2 आर्टिकल किस लिए होता है, ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज से आपस में बात करके किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जो 20221 में ये है कि जो क्या कहते हैं उसको, छोड़ चुके हैं जज, हाई कोर्ट छोड़ चुके हैं, ठीक है, वो फिर से बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरल डिसीज, ठीक है, वायरल डिसीज के बारे में क्वेश्चन था, ऑप्शन से आपको टिक करना था। ठीक है, हम कुछ वायरल डिसीज मतलब वायरस जनित रोग, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला एड्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पोलियो, डेंगू फीवर, देखिए अगर आपके पास टाइम हो, टाइम मिले तो ऐसे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पे, लेकिन आप ये रोग किन वायरस से होते हैं उसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, और रैबीज, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ट्रेकोमा, ये सब वायरस जनित रोग हैं, ठीक है, वायरल डिसीज है। एंड छोटी माता, चिकन पॉक्स, खसरा, मीजल्स एंड गलसुआ मम्स। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी वाज गिवन नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी। ठीक है, तो इनको जो है पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, और इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है, द लाइट ऑफ द सेम सन। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आपको टाइम मिले एग्जाम के बाद तो ये बुक पढ़िएगा, द लाइट ऑफ द सेम सन। इनको एक और अवार्ड मिला था CNN IBN की तरफ से, इंडियन ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। ठीक है, और इनके बारे में कुछ जानकारी, ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980। ठीक है, इन्होंने 1980 में जो है बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मोर देन, इन्होंने 83,000 चिल्ड्रेन फ्रॉम 144 कंट्री से प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, मतलब 144 कंट्री से 83,000 चिल्ड्रेन को बचाया है गरीबी में या कुछ भी उनके साथ गलत होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है, पीटर कॉपर हेवेट, 1901 में जो है फ्लोरोसेंट लैम्प को इन्वेंट किया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन एक और था, लोगों को कंफ्यूजन था, कुछ लोग कह रहे थे नियॉन लैम्प, तो उसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। नियॉन लैम्प 11 दिसंबर 1910 में जॉस क्लाउडे ने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो जब हम फ्लोरोसेंट लैम्प और नियॉन लैम्प के बारे में बात कर लिए हैं, इन्हीं दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, कोई एक पूछा था इसमें से। ठीक है, तो एक और लैम्प होता है, फर्स्ट हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसकी खोज जो है एडमुंड जर्मर ने किया था। ठीक है, तो दो में से कोई एक पूछ चुका है, मे भी चांस है कि मरकरी वेपर लैम्प के बारे में पूछ ले, तो इसको इन्वेंट एडमुंड जर्मर ने किया था। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज व्हाट विल हैपन टू इट्स एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या बोला, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज। ठीक है, देखिए ये हमारा अर्थ है, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी रेडियस कहाँ पे होगी, हमारी इक्वेटर पे,
ठीक है, ये इक्वेटर है, सबसे बड़ी रेडियस यहीं पे होगी। उसके बाद इसके ऊपर जाते हैं तो क्या होती है, रेडियस घटती जाती है। ठीक है, ये देखिए, मतलब पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी भी पोल की तरफ बढ़े या नीचे की तरफ बढ़े अर्थ से, तब भी आपका रेडियस घटता जाता है। तो मतलब देखिए, तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज, व्हाट विल हैपन टू इट्स एसेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर आप इक्वेटर लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रेविटी के साथ क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन, अगर आप इक्वेटर लाइन से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रेविटी के साथ क्या होता है। ठीक है, इन सब का फॉर्मूला एक ही, जी इक्वल टू एसेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज। ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन समझिए, जैसे मान लीजिए ये सब कॉन्सेप्ट कर लीजिए, एम ई कॉन्सेप्ट कर लीजिए, एम ई की वैल्यू आप रख दीजिए 8। ठीक है, रेडियस है 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर कह रहा है इफ रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज, तो 4 से अगर 2 हो गया तो ये कितना आ गया, 4, मतलब ये क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विल हैपन टू इट्स एसेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो एसेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका तीनों का जवाब एक ही होगा, अगर रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज होता है तो एसेलरेशन ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाती है, अगर इक्वेटर लाइन से हम पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो भी एसेलरेशन ऑफ ग्रेविटी बढ़ती है, और नीचे की तरफ जाने लगते हैं तो भी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरेब्रम। ठीक है, और ये इवन 2/3 ऑफ द ब्रेन मास है। ठीक, दो क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट वाज बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स के बेस पे एक क्लोज टेस्ट था जिसके बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, क्लोज टेस्ट था, फिर उससे कुछ क्वेश्चन थे, तो आप पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स तो मत देखिए, एसएससी सीएचएसएल में चांस नहीं है, आप पॉलिटिक्स स्टोरी बेस। ठीक है, और जो भी नई योजना आई है, ठीक है, उसका आप एक बार रिव्यू लेके जाइएगा, पैराग्राफ से कहीं से अगर आपको मिल जाए तो मे भी उससे क्लोज टेस्ट फंस सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मिला है अभी, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में अगर और मिलता है तो हम डिस्कस कर देंगे। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मीन्स संकल्पना, एक सोच, सोच भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सोचते हो, कुछ कॉन्सेप्ट, क्रिएटिविटी, आइडिया। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, थॉट, ट्विस्ट, रिंकल। और एंटोनिम्स क्या होगा, रियलिटी, कॉन्क्रीट, प्रूफ एंड बीइंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये था, इसका आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन बेस था तो ऑप्शन क्लियर नहीं है अभी। वन ऑफ द महाशक्ति ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय महाशक्ति कौन सी थी, पोलैंड, बेल्जियम, युगोस्लोविया, इसमें से शायद कुछ ऐसे ही ऑप्शन था, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे ही वीडियो पर डे लाते रहते हैं। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट बगल में एक बेल है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो जैसे हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।